घर से 70 किलोमीटर चलने के बाद ये टॉल प्लाजा है। अवंतिका इज हैविंग मैकपफ। कैसा लग रहा है मैकपफ? अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं सुबह के लगभग 5:30 और अभी हम अपना ट्रिप शुरू करने वाले हैं, रोड ट्रिप। बेसिकली आज हम लगभग 500 किलोमीटर कवर करेंगे और आज हम जाएंगे दिल्ली से एंड जोशीमठ तक, जो हमारे घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। काफ़ी लंबा सफ़र है। मैं अपने सफ़र को फटाफट शुरुआत करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, ये हमारे बैग्स लगे हुए हैं, बस अब निकलना रह गया घर से। टाइम जैसा मैंने आपको बताया लगभग वही है, 5:30 बजने वाले हैं। आपको 5:30 बजे बताया था घर से निकले थे, लेकिन और थोड़ा 10-15 मिनट लग गए थे। अभी हम मूलचंद फ्लाईओवर पे हैं और ये सुबह सुबह दिल्ली का नज़ारा है। अभी 6 बजने में और 5 मिनट बचे हैं, अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। ये है मूलचंद मेट्रो स्टेशन। दिन की हल्की हल्की रोशनी दिखनी शुरू हो गई है और आज थोड़े से बादल हैं। अभी हम सराय काले खां ऑलमोस्ट पहुँच गए, बारापुला से नीचे उतर रहे हैं। बज गए सुबह के 6:05 और ये अब हम पहुंच गए अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम टेंपल। अभी थोड़ा हेज है इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड में इस तरफ है और रोड ऑलमोस्ट पूरा खाली है। अब मेरठ एक्सप्रेस से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और मैं ये कहूँगा मेरठ एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली वालों के लिए लिटरली वरदान है। जब से ये बना है उत्तराखंड जाना इतना आसान हो गया है, क्योंकि जो मेन ट्रैफिक था वो मुरादनगर और मोदी नगर में ही हुआ करता था, अब इससे वो बच गया हमारा। बहुत 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 ही अच्छा काम करा है गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में जो एक्सप्रेस वे बनाया है। मतलब इस पर कार चलाना अपने आप में बहुत ही मज़ेदार, बहुत फन लविंग चीज़ है। मैंने 90 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल को सेट करा और आराम से बैठा हूँ और अब तो पता नहीं लगता कब मेरठ आ जाता है, नहीं तो पहले तो इस टाइम तक तो हम मुरादनगर के जैम में ही फंसे होते थे। और ये रोड देखो सामने कैसा एकदम खुला और एकदम मस्त मक्खन के जैसा रोड है। तो ये घर से 70 किलोमीटर चलने के बाद ये टॉल प्लाजा आया है। ये अब मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया है ख़त्म और अब हम NH 58 पे मिल जाएंगे ये रास्ता घूम के। तो अब ये घूम के और ये आ गए हम पुराने वाला रोड जो अपना मुरादनगर मोदी नगर से आता था, ये वाला NH 58 लिखा हरिद्वार स्ट्रेट, तो हमें इसी पे जाना और मेरठ सिटी के लिए राइट। यहाँ से घर से करीब 95 किलोमीटर चलने के बाद यह है दौराला टॉल प्लाजा और यहाँ पे 95 रुपये का टॉल है टोटल। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, वैसे तो फास्ट टैग है, पता नहीं क्यों इतनी लंबी लाइन लगी हुई है फिर भी। अभी हम पहुँच गए नमस्ते मिडवे पॉइंट, जो हमारा फेवरेट पॉइंट है हल्का फुल्का स्नैक्स खाने के लिए, चाय पीने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मिड पॉइंट है दिल्ली से हरिद्वार के बीच में। बेसिकली 123.6 किलोमीटर करीब चली है मेरी गाड़ी और आज रश तो बहुत कम है क्योंकि अभी सुबह के 7:45 हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ कम है। तो मात्र 2 घंटे से भी कम में आज हम पहुंच गए हैं नमस्ते मिडवे पॉइंट और काफ़ी जल्दी ही पहुँचे हम। अभी 7:45 बजे हैं, 5:45 के करीब हमने शुरू करा था और यहाँ ऑलमोस्ट खाली है। ऑलमोस्ट मैंने पहली बार इतना कम रश देखा है यहाँ पे, नॉर्मली रश ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आप फ्रेश भी हो सकते हैं। अवंतिका का फोटोशूट हो रहा है, क्या हुआ अवंतिका, फोटोशूट नहीं करा रही? क्या लेना आपको? मैंने कर बर्गर। इधर मिलते कूलड़ वाली चाय, तो पहले पीते चाय चल के। कूलड़ वाली चाय ये है 60 रुपये की, थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है। ये अदरक वाली टी ली है हमने और टेस्ट में ठीक है, अच्छी है। अवंतिका इज हैविंग मैकपफ। कैसा लग रहा है मैकपफ? अच्छा। और ये कौन सा बर्गर आपका? मेकालो टिक्की। इसका भी बाइट ले चुके आप? अच्छा है। हाँ। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ से चलने के बाद हम मोस्ट प्रॉब्ली सीधे अब लंच टाइम पे रुकेंगे और नहीं तो नॉन स्टॉप ही चलेंगे क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, जोशीमठ काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। कितना रहता है हमारा टोटल चलना? अभी 370 किलोमीटर और दूर है यहाँ से सिर्फ जोशीमठ, सिर्फ अब तो सिर्फ ही कहना पड़ेगा। तो 8:15 करीब 8:25 में हम यहाँ से निकल गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है और ये हम उत्तराखंड में
मेरे ख्याल से अब एंटर करने वाले हैं, अभी बॉर्डर तो आया नहीं है। जैसे उत्तराखंड के अंदर एंटर करते तो एक अलग ही वाइब्स आती है। जनरली जो देवभूमि वाली बात है वो है उत्तराखंड के अंदर। हिमाचल में जाते हैं, हिमाचल में भी आती है ये वाली चीज़, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा है। और आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे जो हमारे धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काफ़ी जितने भी मशहूर मशहूर धाम हैं सारे उत्तराखंड में ही हैं, तो इसलिए भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये प्राइवेट गाड़ियों का टॉल कलेक्शन का ही आ गया, ये ना, ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। और अब हम देवभूमि के अंदर कर चुके हैं एंटर। जय उत्तराखंड, जय भारत। वो अब चढ़ गए हम रुड़की बाईपास पे। इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम चले जाते तो सीधे रुड़की पहुंच जाते, और अभी हम हैं रुड़की बाईपास पे। तो रुड़की बाईपास बनने से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसका, अब हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है रुड़की के जैम से। और जो आगे भादराबाद है उसका भी अब बाईपास बन चुका है। तो दिल्ली से हरिद्वार जाना तो बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ईजी। ये बोर्ड वगैरह आने शुरू हो गए, यमुनोत्री केदारनाथ भी लिखा है, ऐसे 200 कुछ किलोमीटर है। एक जब ये वाले जो माइलस्टोन पढ़ता हूँ जब मैं, तो एक अलग ही वाली एक फील आती है। और ये हम ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। हरिद्वार 17-18 किलोमीटर रह गए हैं। टोटल 201 किलोमीटर मेरी कार चली है, 18.7 की एवरेज दे रही है, एंड 3 घंटे 17 मिनट टोटल कार चली है। वैसे हम जो बीच में रुके थे वो ये काउंट नहीं कर रही। तो लगभग ये मैंने नोटिस करा है कि अगर आप दिल्ली से अब हरिद्वार आ रहे हैं और अगर आप नॉन स्टॉप चलेंगे तो आप दिल्ली से और हर की पौड़ी तक लगभग 3.5 घंटे में आप इजीली पहुंच जाएंगे। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पतंजलि को। जैसे हमने पतंजलि को क्रॉस करा है हमें सबसे पहले दर्शन हो गए हैं हिमालय के। तो दूर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पहाड़। अभी थोड़ी हेज है इसलिए इतनी दूर से आपको हो सकता है माइट भी कैमरे में क्लियर ना दिख रहे हो, लेकिन हमें दिख रहे हैं। और ये हम हर की पौड़ी के पास एकदम पहुंचने वाले। कितना सुंदर ये ओम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बेसिकली हमारे लेफ्ट में पैरेलल चल रही है हर की पौड़ी, और अभी हम जो हैं हम ये ऋषिकेश वाले रोड पे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश रोड। अगर यहाँ से लेफ्ट नीचे ले लेंगे तो हम हर की पौड़ी पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रोड बन गया है। 3 घंटे और करेक्ट 37 मिनट में 220 किलोमीटर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हर की पौड़ी। तो अभी लेफ्ट में देखिए आप कितनी खूबसूरत है, कितनी भव्य लग रही है हरिद्वार। ये हर की पौड़ी वो दिख रही है सामने, घंटाघर, आपको घंटाघर दिख रहा होगा, और ये सारा हर की पौड़ी का दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आगे है भगवान शिव की मूर्ति, जो यहाँ की आइकॉनिक मूर्ति है हर की पौड़ी की। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। हमने जो महाकुंभ का अपना एपिसोड बनाया था उसमें जो ये वाली मूर्ति है हमने इधर का भी अपना व्लॉग में बनाया था, अगर आप देखना चाहते हो तो उस व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद पार्क है जिसमें मूर्ति है, ये जो भगवान शंकर की जो मूर्ति है ये स्वामी विवेकानंद पार्क में है। अब यहाँ से करीब करीब 21 या 22 किलोमीटर टोटल रह गया है ऋषिकेश। हर की पौड़ी के सामने कैसे गुजर रहे हैं तो एक बार गंगा मैया का जयकारा लगा दें, जय गंगा मैया की। तो अब ये हरिद्वार से और ऋषिकेश के बीच में ये भी टॉल रोड बन गया डबल लेन का, और ये काफ़ी खूबसूरत बना लेफ्ट साइड में मंदिर। और जैसे ही हमने हरिद्वार क्रॉस कराया ये, उसके बाद से काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मंदिर आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत धर्मशाला हमें देखने को मिली हैं। पहले यहाँ पे हरिद्वार से और ऋषिकेश के बीच में काफ़ी टाइम लगा करता था, अब आज देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें एग्जैक्टली, क्योंकि अभी बजे 10:06, और हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई कितनी देर लगी हमें ऋषिकेश को क्रॉस करने में। भाई हम जो चल रहे हैं ये राजा जी नेशनल पार्क है, और इधर वार्निंग भी लिखी हुई है कि हाथी और जैसे लेपर्ड वगैरह रोड पे आ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पे सावधानी से चलाएं, धीरे चलाएं, ये लिखा हुआ सावधान। ये पूरा एकदम दोनों तरफ जंगल है जिसमें हम चल रहे हैं। बेसिकली हम एक टाइगर रिजर्व के अंदर से जा रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क जो है राजा जी टाइगर रिजर्व है, देखो एक बार बार छपा हुआ हाथी, तो हाथी काफ़ी ज़्यादा है वैसे राजा जी नेशनल पार्क में। तो अब वो पॉइंट आ गए, ऐसे अगर आप लेफ्ट ले लेंगे थोड़ा सा आगे जाके तो देहरादून पहुंच जाएंगे, और ऋषिकेश बचा 14 किलोमीटर। सोंग नदी है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, ये साइड से यहाँ से दिख रही है, पानी तो है नहीं इसमें, थोड़ा ही है इस तरफ दिख रहा है थोड़ा सा पानी। तो ये पौंटा साहिब और देहरादून के लेफ्ट, एंड ऋषिकेश के लिए सीधा और श्रीनगर के लिए भी। रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर पहले ही हैं और जैम लगा हुआ है पूरा, रेड दिख रहा होगा आपको,
तो जैसे ही हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, मतलब उससे पहले बहुत बुरा हाल है जैम का, बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं किस लिए जैम है, अब तक इतना स्मूथ ट्रैफिक था, कम से कम 10 मिनट हमें हो गए हैं अब तक इस जैम में फंसे, और अभी तो और 15-20 मिनट दिखा रहा हूँ फंसने के लिए। हम करीब 10 बजे के करीब चले थे हरिद्वार से और 10:46 हो गए हैं, मतलब 45 मिनट के करीब लग गए हैं, और अभी हम ऋषिकेश में एंटर भी नहीं करा हमने, और काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है ऋषिकेश में जैम का। और मैंने सुना है यहाँ पर ये जो ऋषिकेश वाला रोड पे ऑन एन एवरेज डेली ही ऐसा जैम लगता है, काफ़ी टाइम ख़राब होता है। अब मैप हमें लेफ्ट वाला रास्ता दिखा रहा है बार बार, जो एक किस्म से ऋषिकेश का बाईपास है, और राइट है ऋषिकेश सिटी में से जाएगा, तो हम बाईपास को ले रहे हैं अभी, लेफ्ट वाले को देखते हैं। ये आ गया ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत बना है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल नया है ये, एक्चुअल में बाईपास पे है ये ना, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद करके 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें, और अब तक हम जाके पहुँचे हैं राम झूला की जो पार्किंग है उधर, और यहाँ पे भी मतलब ये तो बाईपास से आए हैं, जो हमारा टाइम बच गया, बहुत बहुत ही ज़्यादा रश है। अब हम पहुँच गए हैं तपोवन, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ होटल्स हैं। अगर आप ऋषिकेश साइड रुकने आएंगे तो यहाँ से ही सबसे क्लोजेस्ट है लक्ष्मण झूला, जो यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है। ये लिखा है राइट गया लक्ष्मण झूला, और ये सीधा रास्ता जो गया है ये बद्रीनाथ केदारनाथ सब, ये स्ट्रेट गया है, यहाँ से राइट है ये लक्ष्मण झूला, जो यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट है ऋषिकेश का, जिसके आसपास में सारे कैफेज हैं, और इधर ही आपको सारे अच्छे होटल्स रिजॉर्ट सब कुछ इस एरिया में ही मिलेंगे यहाँ पे रुकने के लिए। तो अब हमारा ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया है सारा भीड़ वाला ये राफ्ट, थैंक यू।